आप सभी मित्रों को जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय अयोध्या में राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिस समय हमारे प्रभु श्री राम लला बस कुछ ही क्षण में आने ही वाले हैं, तो उनकी तैयारी में आप देखिए किस प्रकार से अयोध्या सज रही है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मिलते हैं आप सभी। और इस समय हम हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी, अद्भुत अवलोकिक दृश्य अयोध्या से। और हम अभी आपसे मित्रों को कराएंगे राम जन्मभूमि का दिव्य दर्शन, किस प्रकार से अयोध्या सजी है हमारे प्रभु श्री राम लला के आगमन में। ये देख सकते हैं अद्भुत नजारा अयोध्या से, जो कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो गेट बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत है। और काफी अच्छे ढंग से फूलों से सजाई है हमारी अयोध्या नगरी। और वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आप सभी मित्रों को अयोध्या से पल पल की खबरें देते रहें। और ये राम जन्मभूमि, जो कि कहा नहीं जाता कि हमारे प्रभु श्री राम लला 14 वर्ष बाद आए थे, तो अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी, तो उसी के प्रकार हमारे प्रभु 500 वर्ष बाद आ रहे हैं, तो अयोध्या में दिवाली से बढ़ के बहुत ही खुशी की बात है। तो इस समय आप देख सकते हैं काफी अच्छे ढंग से हमारी राम जन्मभूमि सजी हुई है। तो कमेंट में जय जय श्री राम अवश्य लिखें। और ये जो राम जन्मभूमि का दिव्य गेट देख सकते हैं, काफी अद्भुत अवलोकिक राम जन्मभूमि से आप सभी मित्रों के लिए। और अयोध्या जितनी जगह से सजी है पूरा वीडियो आप सभी मित्रों को दिखाएंगे, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे कि हम आप सभी मित्रों को एक और नया वीडियो दिखा सकें। ये आप देख सकते हैं काफी अद्भुत अवलोकिक राम जन्मभूमि। सजी हुई है अवध नगरी दुल्हन की तरह, और दर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। और साथ ही में आप सभी मित्रों को दर्शन कराते रहेंगे अयोध्या राम जन्मभूमि से। और हमारे साथ महेश भाई जुड़ चुके हैं अयोध्या में, जो कि यहीं पर रहते हैं, तो महेश भाई से बात करते हैं कैसा लग रहा है इनको अयोध्या। महेश जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आपको अयोध्या नगरी कैसी लग रही है? बहुत दिव्य है। हम सब का सौभाग्य है कि अयोध्या में भगवान राम लला 500 साल के बाद अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। कल का प्राण प्रतिष्ठा है, तो हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और खास तौर सनातनी के लिए। अच्छा, क्योंकि हमारे श्री राम हम सभी के केंद्र, हम सभी के केंद्र बिंदु के रूप में प्रतिष्ठित है। और ये जो सजावट है, तो आइए आपको दिखाते हैं महेश भाई के साथ। इस समय जो आप देख पा रहे हैं हमारी अयोध्या राम की नगरी सजी हुई है, देखिए लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रभु श्री राम की नगरी अब सजकर तैयार हो चुकी है, और फूलों से लिखा हुआ है काफी अच्छे ढंग से श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा, जो कि इस समय आप रात्रि के समय अवधाम का दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे रामलला विराजमान होने वाले हैं कल।
तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप सभी मित्रगण अपने घरों पर दिवाली मनाएं, और ना ज़्यादा हो पाए तो 5 दीपक कम से कम अपने घर पे अवश्य जलाएं और दीपावली घर पे ही मनाएं। जानते हैं कि अयोध्या में किस प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा है। जय सियाराम महाराज जी। जय सियाराम। हाँ, तो अयोध्या में महाराज किस प्रकार से रामोत्सव मनाया जा रहा है? एक अलौकिक महोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, ये कई जन्म जन्मांतरों के पूरे इस समय उदय हुए हैं। हाँ, और आज ये पूरी अयोध्या आपको देखने को मिल रही है। हाँ, लाइव के माध्यम से भी आप लोग घर पे आनंद ले सकते हैं। हाँ, जैसा कि हमारे पूर्वजों का कितना बड़ा तप था। हाँ, आज भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बन करके और तैयार हुआ, जिसके लिए हम लोगों ने आज 500 वर्ष इंतजार करते करते हमारे पूर्वज बलिदान करके चले गए। हाँ, लेकिन आज उनके कृपा से हम लोगों को यह भाग्योदय हुआ है कि हम लोग अपने नेत्रों से और अपने हर्ष उल्लास के साथ में भगवान श्री राम जी का दिव्य दर्शन करके एक हृदय विदारक कष्ट को समाप्त करने का यह सुंदर अवसर है। और जो अभागे इस राम जन्मभूमि के दर्शन में आ नहीं पा रहे हैं और निमंत्रण ठुकरा दे रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ जो है कहीं ना कहीं भक्तों के खून से रंगे हुए हैं, जिन्होंने गोलियां चलवाई, जिन्होंने अयोध्या को कभी हमेशा उपेक्षित करके रखा। अयोध्या ने उन लोगों से हमेशा जो है अपेक्षा किया, लेकिन उन लोगों ने उपेक्षित किया। आज आप लोग देख रहे हैं अयोध्या किस प्रकार से सजी हुई है। कल के दिन हम लोग सुंदर दीपोत्सव मनाएंगे। हाँ, जैसे दीपावली के दिन सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनवाते हैं, ऐसे कल सुंदर सुंदर मिठाई बनवाएंगे। हाँ, सुंदर सुंदर झालरों से। हाँ, और सुंदर सुंदर घी के घी से। हाँ, दीप जलाएंगे। हाँ, और भगवान प्रभु श्री राम जी के भक्ति में भाव विभोर होकर के तन मन धन के साथ में, परिवार के साथ में, अपने नात रिश्तेदार के साथ में, सनातन धर्म का अभ्युदय हुआ है। इस समय सतयुग आया हुआ है। कलयुग में सतयुग लाने वाले दो रथी हैं। हाँ, कौन कौन रथी? एक जोगी, एक मोदी। हर हर मोदी, हर हर जोगी। बार बार मोदी, बार बार जोगी। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी मित्रों को राम जन्मभूमि का दिव्य दर्शन कराते रहेंगे और किस प्रकार से हमारी अयोध्या नगरी सजी हुई है हमारे प्रभु के स्वागत में, तो आप दर्शन कर सकते हैं। और ये जो फूल हैं वो रियल फूल हैं, ना कि कोई प्लास्टिक के फूल हैं, और काफ़ी सुगंधित अच्छे ढंग से सजाई गई है हमारी प्रभु श्री राम लला की दिव्य नगरी। तो कल हमारे प्रभु आने वाले हैं, तो आपसे मित्रों से निवेदन है, यदि आप अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं तो अपने घर को ही अयोध्या बना लीजिए और घर पे ही दिवाली मनाइए। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। कहाँ से आए भाई साहब? मैं आया हूँ कुमारगंज से, अयोध्या जनपद के ही रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, तो इस समय आप अयोध्या में जो राम उत्सव की खुशी है, हमारे राम आने वाले हैं, तो किस प्रकार से आपको है? बिल्कुल, हमको बहुत हर्षोल्लास हो रहा है। अच्छा, क्योंकि हमारे बाबा जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी, हमारे बाबा उस संघर्ष में बहुत ज्यादा लड़ाई लड़े थे। अच्छा, उनका एक हाथ भी कट गया था। अरे बाप रे। वो 2011 में उनकी मृत्यु के बाद जिसे फैसला आया ये, तो हम लोग इतना हर्षोल्लास है, बिल्कुल घर परिवार बच्चों से रिश्तेदारों से मिल करके इतना जन्म उत्सव मना रहे हैं। बिल्कुल भंडारे का आयोजन किया है घर पर, यहाँ पे घूम भी रहे हैं हम यहाँ पे बराबर। अच्छा, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हाँ, तो इस समय जो दीपावली की बात हो रही कि साल में एक नहीं दो बार दीपावली, तो उस पे क्या कहेंगे कल की दीपावली? दीपावली तो दीपावली दो बार मनानी चाहिए। रामनवमी को मनाई जाती है, राम जन्म उत्सव हो रहा है, राम जन्म उत्सव भी बराबर मनाई जाएगी, हर साल मनाई जाएगी। तो ये गेस्टेड छुट्टी के तरीके से ये होना चाहिए कि इसमें जिसे राम जन्म उत्सव हो रहा है, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें हम ये सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि इसको एक विश्व स्तर का वो दिया जाए। अच्छा, विश्व स्तर का दिवस मनाया जाए, विश्व स्तर का दीपावली मनाई जाए। अच्छा, तो हर साल अयोध्या में विश्व स्तर की दीपावली मनाई जाए बराबर। साल में दो बार दीपावली हो, साल में दो बार बराबर दीपावली मनाई जाए। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।